हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज हरे धनिया हरे मटर की एक डिफरेंस सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी, जो बनाने में जितना सिंपल है, खाने में उतना टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम मटर और मैंने ना एक बार धुल भी लिया है। तो यहाँ पे बिठा दे रही हूँ मैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए तब मैं डाल दे रही हूँ मटर को, और मटर को डालने के बाद मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार हरा मिर्चा भी डाल दिया है। और एक बार ना चला लेंगे, और थोड़ी देर के लिए लगभग 2 से 2.5 मिनट तक हमें थोड़ा सौते कर लेना है, और इसमें नमक हल्दी कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने फ्राई करते हुए लगभग 2.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने ऑफ़ करके ना एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ जिससे कि ठंडा हो जाए। अब उस सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैंने फिर से डाला है, 1/2 टेबल स्पून डाल दे रही हूँ जीरा, और एक लाल मिर्च तोड़ के भी मैंने डाल दिया था। अब जैसे ही ब्राउन हो जाए ना तब हम क्या डालेंगे इसमें, अनियन। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज अनियन मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब 1 मिनट फ्राई हुआ है, हल्का गुलाबी रंग आया है। तो अब इस टाइम मैं डाल दे रही हूँ आलू। यहाँ पे मैंने बड़े साइज का एक आलू मैंने डाला है, और इस तरीके से ना पतले पतले करके मैंने काट लिया है। अब मिक्स्ड करके ना फ्राई करेंगे, जिससे क्या होंगे आलू और प्याज ना एक साथ में ही फ्राई हो जाएंगे, तो हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। अब मैं स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद चला लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 1-2 बार चला देंगे। अब तब तक ना आपको मैं मसाला दिखा देती हूँ कि क्या क्या चाहिए हमें। एक मिक्सर के जार में मैंने ढेर सारे फ्रेश धनिया लिया है, हरा धनिया, 9 से 10 लहसुन की कलियाँ डाला है मैंने, और 1/2 इंच मैंने अदरक। अब इस मसाला को पेस्ट कर लेंगे, सिंपली एक हरी चटनी जैसे बन गए हैं। इसमें बहुत सारे मसाले की ज़रूरत नहीं होते हैं। अब हमारा मसाला तैयार हुआ है, और इधर से आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल दे रही हूँ मैंने जो हरा मसाला बना लिया है, और साथ में ही मैंने मीडियम साइज का 2 टमाटर चॉप करके डाला है। अब इस तरीके से मिक्स करके ना हमें भूनना है। और आज का हमारे रेसिपी ना यूपी और बिहार में बहुत फेमस है फ्रेंड्स, और इस तरीके से बना के खाए जाते बहुत हेल्दी होते हैं। अब इस मसाले को जब हाफ भुनना हो गए हैं तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हल्दी स्किप भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। थोड़ा सा और इस मसाले को भूनने देते, तब तक ना मैं आपको दिखा रही हूँ मटर को हमें कैसे पेस्ट करना है। तो देखिए, मैं मटर और साथ में हरा मिर्चा डाल दे रही हूँ, और इसे हमें दरदरा यानी कि कोस्टली हमें पेस्ट करना है। तो देखिए, मैंने बस 30 सेकेंड एक बार चलाया है, फिर से एक बार स्पून से मिक्स करके फिर से एक बार चलाया, तो ये दरदरा सा टेक्सचर आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं दोबारा भी पेस्ट बना लूँगी। तो अब सिंपली इस मसाले के अंदर मैं डाल दे रही हूँ, तो एकदम टाइट है तो स्पून से निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। और जो दोबारा बचा था मैंने उसे भी पेस्ट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो हल्का सा दरदरा ही रहते हैं ना, तो खाने टाइम हल्का हल्का सा मुँह में पड़ता है, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब आलू और मसाले के साथ मिक्स्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले थोड़ा मटर को फ्राई कर लेते ना, उसका टेस्ट निमोना में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ज़रूर बना के आप देखिए, अच्छा लगेगा। अब इसमें ना मैंने जो फ्राई किया था मटर, थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि निमोना में हल्का सा अगर साबुत मटर भी रहते हैं तो देखने में और खाने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अब बारी है बस हमें मसाले को भूनने को। तो लगभग 3 मिनट तक हम मसाले को भून लेंगे चलाते हुए। तो भूनना हो चुके हैं, अब पानी डालेंगे। तो मिक्सर जार में ना काफ़ी सारा मटर लगा हुआ था, तो मैंने उससे पानी डाल दिया है, और 1/2 लीटर से ज़्यादा ही मैंने पानी डाला है, क्योंकि निमोना हल्का सा ग्रेवी उसका पतला ही रहता है तो अच्छा लगता है। ग्रेवी हमें ऐसे रखना है कि ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, और ठंडा होने के बाद हल्का सा थिकनेस बढ़ जाते हैं। तो हमें फुल फ्लेम में रखते हुए कुक कर लेना है, जितना हमें ग्रेवी रखना होगा। अब देखिए, कुछ देर कुक करने के बाद अब ग्रेवी इतना ही मुझे पसंद है, तो
तो मैं इस तरीके से रखूँगी। एक बार अच्छे से मिक्स्ड कर लेते हैं, लेकिन आलू पका है या नहीं उसे भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो मैं इस स्पैचुला में थोड़ा सा एक पीस आलू ले लेती हूँ और मैं एक स्पून से चेक कर ले रही हूँ। आलू एकदम पक चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी 1 मिनट तक कुक करूँगी जिससे कि आलू और सॉफ्ट हो जाए। और निमोना में ना फ्रेंड्स कोई भी गरम मसाला और अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन फ्लेवर रहते हैं ना वो मटर और हरे धनिया का ही रहते हैं। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और बिल्कुल रेडी है अब इसे खाने के लिए। तो चलिए मैं गर्मा गर्म परोस देती हूँ आपके सामने। तो ये देखिए, अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है ना तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बस हेल्दी ही नहीं है, बहुत टेस्टी भी है। तो आपने अगर पहले कभी मटर की निमोना नहीं खाए हैं तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर खाइए। तो फ्रेंड्स आज का मटर का निमोना की रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और इस तरीके से हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए लव किचन को अभी तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक भी कर दीजिए, आपका लाइक देख के ना हमें बहुत ही खुशी मिलता है।